एवरीवन, तो कैसा जा रहा है सबका 2020? बहुत मजे आ रहे हैं सबको। ऐसे अजीब और गरीब न्यूज आ रही है, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ। पर अब मैं आप सबके सामने कन्फेशन करने जा रही हूँ। मैंने लाइफ में बहुत सारे पाप किए हैं। थोड़े से व्यूज और थोड़े से लाइक के लिए टिकटॉक पे मुजरा भी करा है, अपने भाई की चॉकलेट चुरा के खाई है, सुन तो नहीं रहा। लेकिन थोड़े से पैसों के लिए नहीं, बहुत सारे पैसों के लिए कभी भी किसी लड़के का दिल नहीं तोड़ा। तोड़ा है क्या? मेरी बात छोड़ो, आज मैं जिसके बारे में बात करने जा रही हूँ वो है बॉलीवुड की सुपर डुपर। अरे गाली मत दो, बात तो सुनो पूरी। सुपर डुपर फ्लॉप एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकलोली के। कान में हेडफोन लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप इस वीडियो को अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। रिया चक्रवर्ती ये एक ऐसी महान एक्ट्रेस है जो अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी रियल लाइफ को लेके ज्यादा न्यूज में है। समझ रहे हो आप? कोई किसी से कितना प्यार कर सकता है? नहीं मतलब देखो ना, हमारी रिया दीदी का दिल कितना बड़ा है कि उन्होंने सुशांत सर के केस के लिए हमारे देश के होम मिनिस्टर से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की सीबीआई जांच के लिए। और जब सीबीआई जांच अप्रूव्ड हो गई तो उन्हीं के वकील बोलते हैं कोर्ट में जाकर कि सीबीआई जांच क्यों हो रही है, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है, इसे बंद किया जाए। ये कैसा प्यार है भाई? समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तो गाइज आप में से बहुत लोग नहीं जानते कि मैंने अभी 12th पास करी है और मैं मैथ्स में बहुत वीक हूँ, इसलिए मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि रिया दीदी की एक साल की इनकम 14 लाख है पर उनके खर्चे 1 करोड़ से भी ज्यादा है। कैसे? जिनकी मैथ्स अच्छी है वो मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताओ ये कैसे पॉसिबल है। इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। अच्छा आप लोगों ने एक और बात नोटिस करी, सुशांत सर के जाने के बाद ये दीदी जब भी दिखी अच्छे से दिखी, पर जैसे ही इन पे FIR दर्ज हो गई तो ये तो नौकरानियों के कपड़े में आ गई। मतलब अपने आप को बेकसूर दिखाने के लिए कोई कितना गिर सकता है? कुछ फायदा नहीं है, देख अच्छा खासा घर पे रोटी चावल ये सब भाजी वीजी बना, बेंचो घर संभाल, ये सब चाले मत कर, समझा? इतना तो मच्छर भी किसी का खून नहीं चूसता जितना इन रिया दीदी ने सुशांत सर का खून चूस लिया था। मतलब मुझे तो लगता है अगर 2020 का कोई फेस होता ना तो वो ऐसा होता। नहीं ऐसा होता। तो बस रिया दीदी की बात हम यहीं पे खत्म करते हैं और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है इस पूरे मैटर के बारे में कमेंट सेक्शन में बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जो करना है वो करो।